स्मॉल साइज कंपास का यूज 36 मिलीमीटर रेडियस मैक्सिमम और मिनिमम 1 मिलीमीटर रेडियस के सर्कल या आर्क बनाने के लिए किया जाता है। मिनिमम क्योंकि ये स्मॉल कंपास है इसलिए मिनिमम साइज का छोटे साइज का सर्कल इसके द्वारा हम आसानी से बना सकें वो साइज मिनिमम है 1 मिलीमीटर और मैक्सिमम है 36 मिलीमीटर। ठीक है, तो स्मॉल साइज कंपास का यूज होता है और स्मॉल साइज जो कंपासेस होते हैं उसको स्प्रिंग कंपास भी कहते हैं। चूंकि इसके ऊपर लीफ स्प्रिंग लगी रहती है उस लीफ स्प्रिंग के कारण इसको स्प्रिंग कंपास भी बोलते हैं और इसके डिस्टेंस को एक स्क्रू की सहायता से एडजस्ट करते हैं, कम या ज्यादा करते हैं तो वो फिक्स हो जाती है। बार बार चेंज करने पर ही चेंज होती है, अपने आप से नहीं चेंज हो सकती। जबकि लॉन्ग साइज कंपासेस में डिवाइडर में यदि आपने काम करने के बाद इसको रख दिया तो रखने के बाद में वो फिर दोबारा से डिस्टेंस वही रह जाए, एक आध मिनट कम ज्यादा, एक आध एमएम कम ज्यादा हो जाए, ऐसी संभावना हो जाती है। किंतु स्प्रिंग कंपासेस में जो स्क्रूड कंपास है उनके अंदर आपका चूंकि स्प्रिंग की सहायता से वो डिस्टेंस फिक्स रहता है, स्क्रू की सहायता से उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है, इस कारण से वहां पर चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है स्मॉल साइज डिवाइडर, छोटे साइज के डिवाइडर। इन डिवाइडर्स के द्वारा भी हम जैसे बड़े डिवाइडर से यूज करते हैं, ये भी चूंकि स्प्रिंग कंपास डिवाइडर होते हैं, स्प्रिंग डिवाइडर होने के कारण इसके भी डिस्टेंस को स्क्रू की सहायता से कम या ज्यादा किया जाता है। इस कारण से इससे भी छोटे डिस्टेंसेस को इक्वली डिवाइड करने के लिए, मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्मॉल साइज गो कंपास, छोटे साइज के गो कंपास। इसके द्वारा जब हम इंक से ड्राइंग बना रहे हैं तो इसका जो गो है इस प्रकार की आकृति रहती है और इस गो को या जबड़े को जो को हम एक स्क्रू या बीच में लगा रहता है उसकी सहायता से कम या ज्यादा कर सकते हैं और इस स्थान पर इंक से ड्रॉपर से इंक को भरते हैं और फिर उससे हम सर्किल या आर्क बनाते हैं। इसकी मोटाई हम एक स्क्रू की सहायता से कम या ज्यादा करके लाइन की मोटाई को कम और ज्यादा बना सकते हैं। तो कम और ज्यादा मोटाई की लाइन बनाने के लिए इंक से हम इस इंकिंग गो कंपास का या स्मॉल साइज गो कंपास का यूज करते हैं। इसी प्रकार से लाइनर भी इंकिंग इंस्ट्रूमेंट है। इंक से जब हमें ड्राइंग बनानी होती है तब स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हम लाइनर का प्रयोग करते हैं। इसमें भी इसी प्रकार का जो रहता है उसको स्क्रू की सहायता से मोटी या पतली लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अभी इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग आप लोग को नहीं करना है। नेक्स्ट है लेंथनिंग बार, ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। अभी जो आप देख रहे थे लॉन्ग साइज कंपास, इससे 120 से 125 मिलीमीटर रेडियस तक के सर्किल आर्क बनाए जा सकते हैं। किंतु उससे बड़े सर्किल आर्क बनाने के लिए फिर क्या करेंगे, आप लेंथनिंग बार का प्रयोग करेंगे। इसका जो एक लेग पिन वाला रहता है और दूसरा लेग मैंने बताया उसमें लेड लगाते हैं, उस लेग को बीच से ब्रेक करने की व्यवस्था रहती है और बीच से दो स्थानों से ब्रेक करने के बाद बीच में इस लेंथनिंग बार एक रॉड का टुकड़ा रहता है उस लेग को लंबा करने के लिए। फिर जो लेग है वो बड़ी हो जाती है और फिर उससे फिर 180 से 185 मिलीमीटर रेडियस तक के सर्किल या आर्क आप लेंथनिंग बार का यूज लॉन्ग साइज कंपास में करके खींच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेड बॉक्स। ये जो लेड बॉक्स होता है कंपासेस के अंदर जब आप लेड लगाएंगे, लेड पेंसिल के जो सोमे रहते हैं दैट इज कॉल्ड लेड, तो वो लेड आप लगाएंगे उससे सर्किल या आर्क बनाएंगे। तो उन सर्किल या आर्क को बनाने के लिए आपको वो सुरक्षित रखने होंगे विभिन्न स्थानों पर, तो ऐसा नहीं हो इधर उधर पड़े रहे टूट जाए खराब हो जाए। तो एक डिब्बी सिलेंड्रिकल बेल लगा डिब्बी रहती है उसके अंदर उन लेड को सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार का एक डिब्बी बॉक्स लेड बॉक्स कहलाता है। और लास्ट है स्क्रू ड्राइवर, पेचकस हिंदी में बोलते हैं, छोटे साइज का एक स्क्रू ड्राइवर जिसकी सहायता से आप
इन इंस्ट्रूमेंट के जो स्क्रूज हैं इनको कस सकते हैं या लूज कर सकते हैं। कई बार आप काम करते करते जब इसको काम कर रहे होते तो ये लूज हो जाते हैं, तब हमें इसको टाइट करने की आवश्यकता पड़ती है स्क्रूज को। और कई बार रखे रहते हैं और काम में नहीं लेते हैं, तब उस समय हम इनको टाइट हो जाते हैं और वो सीलर से मॉइस्चर से, तब लूज करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से स्क्रू ड्राइवर होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इन इंस्ट्रूमेंट्स का आपको उपयोग करना है अच्छी ड्राइंग, परफेक्ट ड्राइंग बनाने के लिए। नेक्स्ट है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट इंजीनियरिंग ड्राइंग में हैंडमेड ड्राइंग शीट का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि व्हाइट कलर में होनी चाहिए। हल्का गुलाबी या नीले रंग की या अन्य किसी पीले रंग की कलर की शीट का हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग नहीं करते, व्हाइट हैंडमेड शीट का यूज करते हैं। हैंडमेड शीट में अगर ये कोई ड्राइंग शीट है, दो टेक्सचर हुए एक इधर से और पलट कर देखेंगे तो इधर कोई भी कागज देंगे तो दो टेक्सचर होंगे इधर से उधर से दोनों साइड से, इसी प्रकार से ड्राइंग शीट के भी दो टेक्सचर हैं। एक साइड से ये रफ होनी चाहिए और दूसरी साइड से स्मूथ होनी चाहिए। रफ और स्मूथ, इस बात का ध्यान रखते हुए ड्राइंग शीट परचेज करनी है। अब ड्राइंग कहां बनाएंगे, ड्राइंग शीट पर एक स्मूथ साइड और दूसरी रफ साइड, तो ड्राइंग बनाने के लिए सदैव रफ साइड में ही ड्राइंग बनानी है, स्मूथ साइड में ड्राइंग नहीं बनाई जानी है। क्यों? क्योंकि स्मूथ साइड में जो हमारे रेशे हैं वो जमे हुए हैं, उसको अगर इरेज करेंगे इरेजर से, बनाई हुई पेंसिल से कोई ड्राइंग बनी है और उसको यदि इरेज करना है एक्स्ट्रा लाइन को, तो हमारी ड्राइंग शीट के जो रेशे हैं वो फट जाएंगे और ड्राइंग शीट खराब होने लगेगी धीरे धीरे। और यदि रफ साइड में बनाएंगे तो रेशे ही रफ हैं वो, तो हल्के रेशे मिट जाएंगे और हमारी ड्राइंग शीट नहीं फटेगी, सुरक्षित बनी रहेगी। इस प्रकार से हमको सदैव रफ साइड में ही ड्राइंग को बनाना होता है, ठीक है। अब ये ड्राइंग शीट जो होती है ये 6 साइज में होती है, A0, A1, A2, A3, A4 और A5, 6 साइज होते हैं। और ये 6 साइज दो प्रकार के होते हैं, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड। मार्केट में जो रेडीली अवेलेबल साइज होते हैं वो अनट्रिम्ड साइज कहलाते हैं, लेकिन जब इंजीनियर्स इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तब उसको ट्रिम कर लेते, ट्रिम माने काट लेते हैं, चारों तरफ से परफेक्ट साइज में उसको काट कट कर लेते हैं। क्योंकि मार्केट से जब शीट लेते हैं तो परफेक्टली रेक्टेंगल नहीं होती, किधर ही से छोटी हो सकती है, किधर से बड़ी हो सकती है, कुछ थोड़ा बहुत साइज बड़ा हो सकता है, क्योंकि वहां तो रफली काट रहे हो। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तब उसको प्रॉपर फिक्स जो स्टैंडर्ड साइज है ISI के द्वारा, उन साइज में ट्रिम कर लेते हैं, काट लेते हैं और परफेक्ट रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो इस प्रकार के जो साइज है वो ट्रिम साइज है, हम इसी का प्रयोग करते हैं। इसमें से जो A3 साइज है, दिस वन, इस A3 साइज का ही यूज हम अपनी क्लास सर्विस के लिए ड्राइंग शीट जब परचेज करेंगे तब उसको A3 साइज की ड्राइंग शीट लेकर के आएंगे, जिस पर आपको ड्राइंग शीट बनानी है। शुरुआत में आप लगभग 10 ड्राइंग शीट ले लीजिए एक साथ, एक एक ड्राइंग शीट लेके मत आइए, क्योंकि वो 10 ड्राइंग शीट भर जाए तो फिर आगे 10 ले लीजिए। एक आध लेके आते हैं तो कई बार वो ड्राइंग शीट खराब हो जाती है, शुरुआत में आपकी 2-1 ड्राइंग शीट खराब भी हो जाती है तो काम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो एक ही साथ ले लीजिए ताकि आपको काम करने के लिए बार बार दुकान पे भागना ना पड़े, आप भूल गए ये स्थिति ना हो। अब दूसरी चीज ये है, ये जो ड्राइंग शीट होती है ये सबसे बड़ा साइज इसका होता है A0 साइज, जैसा आपने नोट किया A0 इज द लार्जेस्ट साइज और A5 इज द स्मॉलेस्ट साइज। अब ये एरिया वाइज कैसे होते हैं देखिए, अगर हम एक ये ड्राइंग शीट ले रहे हैं, ये अगर लेंथ है और ये इधर अगर विड्थ है, ये ड्राइंग शीट है A0 साइज। A0 साइज की ड्राइंग शीट को यदि लेंथ से आधा कर दें, इसको लेंथ को आधा करें, बीचों बीच से फोल्ड कर दें, ऐसे ड्राइंग शीट को फोल्ड कर दिया, तो अब ये A1 साइज की दो ड्राइंग शीट इधर, एक इधर एक इधर, दो ड्राइंग शीट हो जाएगी। अब ये तो लेंथ हो जाएगी और ये विड्थ हो जाएगी, जो विड्थ थी वो तो लेंथ बन गई और जो लेंथ थी उसमें से दो विड्थ बन गई, ठीक है। अब A1 साइज की ड्राइंग शीट को ले लें,
और A1 साइज की ड्राइंग शीट को लेंथ वाइज फिर आधा यानी करते हैं डीप से, तो अब ये विड्थ जो थी वो तो लेंथ में बदल गई और ये A2 साइज की दो ड्राइंग शीट हो गई और जो लेंथ थी वो दो बार विड्थ में बदल गई। क्लियर है? इसके बाद फिर यदि हम A2 साइज की शीट को आधा करें लेंथ वाइज तो ये A3 साइज की ड्राइंग शीट हो जाएगी और ये विड्थ हो जाएगी और ये लेंथ हो जाएगी। माने आप यदि लेंथ वाइज शीट को फोल्ड कर दें आधा आधा कर लेंगे तो नेक्स्ट साइज हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी जो A0 साइज की ड्राइंग शीट है उससे A1 साइज की शीट लाइक हाफ होगी, आधी होगी, यानी A0 साइज की शीट से दो A1 साइज की शीट आपको प्राप्त हो पाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम और छोटा करेंगे A3 साइज को तो A4 और A4 को छोटा करेंगे आधा करेंगे तो लेंथ वाइज A5 की शीटें प्राप्त होगी। इस प्रकार से ड्राइंग शीट। नेक्स्ट है पेंसिल। पेंसिल्स ड्राइंग बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, बिना पेंसिल के आप ड्राइंग कैसे बनाएंगे? पेंसिल से ही बनाएंगे। और पेंसिल्स जो है डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं, उन कंपनीज में से आपको जो ग्रेडेड पेंसिल्स बनाती हैं कंपनियां वो अच्छी कंपनियां हैं, कोहिनूर, कैमलिन ग्रेफिका और अप्सरा ड्राइंग। माने तीन कंपनियां, कोहिनूर, कैमलिन और अप्सरा। कैमलिन की ग्रेफिका ब्रांड की पेंसिल इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होती है, अप्सरा की ड्राइंग पेंसिल इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होती है। ये ग्रेडेड पेंसिल्स हैं, इन्हीं का प्रयोग हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते हैं। किसी भी एक कंपनी की पेंसिल आप सेलेक्ट कर लीजिए, बार बार पेंसिल का कंपनी को मत चेंज करिए। आप एक कंपनी कोहिनूर लीजिए तो शुरू से आखिर तक जब तक डिप्लोमा करें कोहिनूर यूज करें, कैमलिन अप्सरा कैमलिन यूज करें तो अप्सरा यूज करें। इसको बार बार, कई बार कैमलिन ले ली, कई बार अप्सरा ले ली, कई बार कोहिनूर ले लिया, ऐसा नहीं करें। एक ही सेट करिए अपने हाथ में तो आपकी ड्राइंग आगे तक परफेक्ट रहेगी, अच्छी रहेगी, बढ़िया बनेगी। अब ये जो पेंसिल्स हैं, ये कंपनी की बात हो गई, ये आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन सी कंपनी की लेके आनी है। लेकिन ये जो कंपनी की पेंसिल्स हैं, पेंसिल्स के बारे में आपको पता होगा, आप लोगों ने शुरू से यूज किया है, दो मटेरियल्स से बनाई जाती है। पहला मटेरियल वुड और दूसरा ग्रेफाइट या लेड। जानते हैं सभी बच्चे, वुड की क्वालिटी सदैव ये होनी चाहिए कि वो सॉफ्ट हो। सॉफ्ट होगी तो आसानी से शार्पनिंग हो जाएगी उसकी, छील आसानी से पाएंगे, खराब नहीं छिलेंगी, परफेक्ट एक्यूरेट कोनिकल छिल जाएगी या हमारे को चीजें छिलनी है तो छिल जाएगी। दूसरा ग्रेफाइट जो है उसकी क्वालिटी, केमिकल प्रॉपर्टी तो उसकी यह है कि गर्मी पाकर ग्रेफाइट या लेड फैलेगा और सर्दी पाकर जमेगा। ऐसी स्थिति में जब गर्मियां होंगी तो पेंसिल ज्यादा काला करेगी, यानी आपकी शीट ज्यादा काली होगी उसी ग्रेड के पेंसिल से, और सर्दियां होगी तो उसमें से कालापन कम होगा। इसी कारण से इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल्स के लेड के ग्रेड या ग्रेफाइट के ग्रेड मौसम के अनुसार परिवर्तित किए जाते हैं। अब ये ग्रेड्स कितने हैं, ये 18 ग्रेड्स होते हैं, इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हार्ड ग्रेड, मीडियम या इंजीनियरिंग ग्रेड और तीसरा सॉफ्ट ग्रेड। हार्ड ग्रेड की 6 पेंसिलें हैं, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, ठीक है। मीडियम या इंजीनियरिंग ग्रेड की 3H, 2H, H, HB, F और B, ये भी 6 ग्रेड है। इसी प्रकार से सॉफ्ट ग्रेड की 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, इसमें भी 6 ग्रेड है। 6-6 के तीन पार्ट्स हैं, हार्ड, मीडियम या इंजीनियरिंग और सॉफ्ट। इसमें से हार्ड ग्रेड या सॉफ्ट ग्रेड तो कलरिंग या शेडिंग वर्क के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऊपर शेड करना, लाइट शेड देना हो तो इनका यूज करेंगे, और कलरिंग करने के लिए हमको सॉफ्ट ग्रेड का यूज करना है। इसका जो लेड होगा 9H ग्रेड की पेंसिल का,
इसका डायमीटर सबसे कम होगा। पेंसिल का यह क्रॉस सेक्शन देखें, पेंसिल को यह पीछे से देखेंगे जिसमें लेड दिखता है, सुरमा दिखता है, इसको बोलते हैं, तो उसका जो डायमीटर होगा वो सबसे कम होगा 9H ग्रेड की पेंसिल। और जिस प्रकार से हम सॉफ्टनेस की तरफ बढ़ेंगे तो 7B जो लास्ट सॉफ्टेस्ट है उसका लेड का डायमीटर सबसे अधिक होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अपने छोटे बहन भाइयों का या आप लोगों ने स्वयं कलर पेंसिल्स यूज की होगी, कलरिंग के लिए कलर पेंसिल्स यूज की होगी, आईब्रो पेंसिल्स आप लोगों ने देखी होगी, इनके जो लेड होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, कटर से आप जब शार्प करते हैं बहुत जल्दी से टूट जाते हैं, छिल जाते हैं, जरा सा लिखें घिस जाते हैं, है? आईब्रो पेंसिल को एक बार लगाया मोटा हो जाती है, उसको फिर दोबारा शार्प करना पड़ता है। तो ये जो लेड होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं और इसका डायमीटर आपने देखा होगा उसी प्रकार से आप जो पेंसिल यूज कर रहे हैं और उस पेंसिल का डायमीटर मोटा होता है नहीं ना लेड का। तो ये सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल्स हैं 4B, 5B, 6B, 7B, इन पेंसिल्स के जो डायमीटर है मैक्सिमम 7B पेंसिल का सबसे ज्यादा डायमीटर होगा इसके लेड और ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट होगा। अब हम अपनी इंजीनियरिंग ग्रेड की तरफ आए, इंजीनियरिंग ग्रेड में 3H, 2H, H ये तीनों पेंसिलों का उपयोग लाइन वर्क के लिए किया जाता है। लाइन वर्क के लिए इन तीनों पेंसिलों का उपयोग करेंगे, जिस समय गर्मी हो उस समय 2H और H का, गर्मी हो उस समय 3H और 2H का, और सर्दियां या बरसात हो तब 2H और H ग्रेड के पेंसिल का लेड यूज करेंगे, इन ग्रेड की पेंसिल्स हम प्रयोग करेंगे। HB ग्रेड की पेंसिल सदैव लेटरिंग वर्क के लिए या एरोहेड्स बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। F और B ग्रेड की पेंसिल सदैव ट्रेसिंग वर्क के लिए प्रयोग की जाती है। इस प्रकार से हमें क्लास सर्विस में 2H, H और HB पेंसिल परचेज करते समय इस बात का ध्यान रखना है, आप किसी भी ग्रेड की पेंसिल मत लेके आ जाना, कई बार वो गलत सलत ग्रेड की पेंसिलें भेड़ देते हैं, आपको पता ही नहीं होता 6B की या 6H की पेंसिल आपको पकड़ा दी और वो उनके यहाँ तो बेकार थी, आपको उन्होंने दे दी लेकिन आपके यहाँ भी बेकार है, 6H ग्रेड की पेंसिल का आप यूज नहीं कर पाएंगे, आपको तो 2H, H और HB ग्रेड की पेंसिलें लेनी है, जिससे कि आप प्रत्येक मौसम में अपना प्रत्येक कार्य आसानी से ड्रॉइंग वर्क कर सकें। क्लियर है? नेक्स्ट आइए इरेजर, सॉरी अभी ये पेंसिल का पार्ट रहता है शार्पनिंग ऑफ पेंसिल। पेंसिल को छीलने के दो तरीके हैं, कोनिकल टाइप और चिजल टाइप। कोनिकल टाइप पेंसिल इस प्रकार से शार्प की जाती है, कोन नुमा, ये आप देख रहे हैं इसकी पेंसिल कोनिकल बनी हुई है, पेंसिल जितनी छीली हुई है इसका साइज 25mm अप्रोक्सीमेट रखेंगे, जबकि इसका जो लेड है इसको 6-8mm का छिला हुआ रखना है। इस कोनिकल टाइप पेंसिल से लाइन वर्क कर सकते हैं, रूटीन लाइन वर्क, एरोहेड्स बना सकते हैं और लेटरिंग वर्क कर सकते हैं, जबकि चीजर टाइप पेंसिल को छीलने का तरीका वही अप्रोक्सीमेट 25mm रहनी चाहिए, 6-8mm का इसका लेड छिला रहेगा। इसको ये ध्यान रखेंगे कि जो लेड है इसको बनाने के लिए जैसे पेचकस का आगे का पॉइंट होता है इस प्रकार से शार्प करेंगे, फिर सैंड पेपर फिर दोबारा से घिसेंगे इस प्रकार से पलट के, और पेचकस का जैसे आगे का टिप होता है उस तरह से इसको शार्प करेंगे। और इस प्रकार के चीजल टाइप जो पेंसिल्स हैं इसका उपयोग कंपास वर्क के लिए या लॉन्ग स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए किया जाता है, ताकि लाइन हमारी परफेक्टली एक ही थिकनेस की बनी रहे। नेक्स्ट आइटम है इरेजर या इरेजिंग शील्ड। इरेजर सदैव नॉन डस्ट के रखेंगे आप अपने पास, सॉफ्ट क्वालिटी के होने चाहिए, ताकि उससे जब आप इरेज करें मिटाएं तब वह प्रत्येक दशा में पेंसिल का एक्स्ट्रा वर्क मिटाते समय कहीं भी कोई लाइन शेष ना रहे, जो हमारी शीट है वो काली ना हो, खराब ना हो, साफ
स्पष्ट बनी रहे इसके लिए पेंसिल से खींची हुई एक्स्ट्रा लाइन को इरेजर से इरेज करते हैं। और इरेजर आपको दो लेने हैं, नॉन डस्ट के लेने हैं, सॉफ्ट लेने हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए एक इरेजर को इस प्रकार से डायगोनली आप कट कर लेंगे ताकि जो कॉर्नर्स हैं एक्स्ट्रा ड्राइंग के साथ लाइन है उसको इरेज करते समय जो आपकी ड्राइंग का कुछ पोर्शन है वो खराब ना हो जाए। दूसरी आप साबुत रखेंगे, ज्यादा मिटाने के लिए आप उसका प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से दो आप इरेजर परचेज करेंगे। इरेजिंग शीट पास पास यदि कोई लाइनें हैं, जैसे ये आप लाइनें पास पास हैं, इस लाइन को अगर इरेज करना है तो ये इधर उधर वाली लाइन मिट जा रही, तो ऐसा ना हो जाए उसके लिए एक स्टेंसिल होता है, शीट होती है जिसमें कि इस प्रकार के अलग अलग डिफरेंट आकृति के स्टेंसिल होते हैं, लाइन के, कोन के, सॉरी लाइन के, रेक्टेंगल के और पेंटागनल के, अलग अलग शेप होती है। उनको हम उस स्टेंसिल के द्वारा केवल उतना ही पोर्शन रिमूव कर लें, इसके लिए इरेजिंग शीट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शार्पनर एंड जीरो नंबर सैंड पेपर। शार्पनर कटर आप लोग को पेंसिल छीलने के लिए जरूरत पड़ती है, अच्छी क्वालिटी का लेके आइए ताकि बार बार खराब ना हो, पेंसिल आपकी परफेक्टली शार्प हो जाए। और दूसरा शार्पनर आपको भी स्टेंसिल नाइफ वाला लेके आना है, चक्कू नुमा, जिससे कि आप पेंसिल भी शार्प कर सकें। चीजन टाइप पेंसिल बनाने के लिए आपको सदैव शार्पनर की, चक्कू वाले शार्पनर की जरूरत पड़ेगी। ब्लेड कक्षा में कोई भी बच्चा लेकर नहीं आएगा, स्टेंसिल नाइफ वाला जो चक्कू वाला जो होता है शार्पनर वो भी साथ में लेके आना है। उसके द्वारा जब आप शीट को ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स करते हैं, वो सेलो टेप लाते हैं, उसको काटने के लिए भी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए शार्पनर सदैव दो लेकर के आने। और सैंड पेपर लेके आएंगे वो भी जीरो नंबर का लेकर आएंगे। जीरो नंबर का सैंड पेपर जो होता है उसका ही उपयोग हमको फाइन पेंसिल की टिप करने के लिए करना होता है। नेक्स्ट है स्केल। स्केल जो होता है किसी भी लाइन को जब आप ड्रॉ करते हैं किस साइज में उसको ड्रॉ करना है, कितनी लंबाई में उसको ड्रॉ करना है, इसको खींचने के लिए बनाने के लिए स्केल का यूज करते हैं। स्केल का चैप्टर भी आगे आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे आपको, किंतु इसका यूज विभिन्न साइजेस को लाइन को बनाने के लिए इसका स्केल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉइंग पिन, ड्रॉइंग बोर्ड पिन, यू क्लिप्स और सेलो टेप। ये ड्रॉइंग बोर्ड पिन है, आप लोगों ने देखी होगी, बोर्ड पिन यूज करते हैं आप लोग। ये यू क्लिप्स हैं, यू क्लिप्स को भी ड्रॉइंग शीट को ड्रॉइंग बोर्ड पर फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। और एक ये सेलो टेप, आप लोगों को सेलो टेप का ही यूज करना है, यू क्लिप और ड्रॉइंग बोर्ड पिन का उपयोग नहीं करना, ठीक है। सेलो टेप का बड़ा रोल लेकर आना है आपको, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छोटा रोल होता है वो यूजलेस होता है, उसका कोई पर्पज नहीं है। आप लोग साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट जब परचेज करें तो एक बड़ा रोल लेकर के आए, 1 सेंटीमीटर थिकनेस वाला, मोटाई वाला, ठीक है, इस बात को नोट कर लें। और इसी कि सभी बच्चे सेलो टेप जब लेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर मोटाई का बड़ा रोल लेकर के आएंगे जो कि आपके दोनों वर्ष काम कर जाएगा। और जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की डिब्बी में लोग दे देते हैं तो वो यूजलेस होता है, उससे ड्राइंग शीट भी परफेक्टली नहीं चिपकती और एक दो दिन में खर्च हो जाता है, तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग इंक और ड्राइंग पेन सेट। ड्राइंग इंक और ड्राइंग पेन सेट का यूज भी आप लोग को नहीं करना होता है। ऑलमोस्ट जो इंक से जब ड्राइंग बनाते हैं तब हम विभिन्न विस्कोसिटी की, विभिन्न श्यानता गुणांक की इंक जो कि काले रंग की होती है और इसमें लेड की कुछ मात्रा होती है, इस कारण से इससे बनाई हुई ड्राइंग के प्रिंट आसानी से बनाए जा सके, इस प्रकार की इंक का यूज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते हैं। और पेन का भी विभिन्न टिप के, आगे का जो टिप होता है वो विभिन्न ग्रेड का होता है, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 8 टिप के पेन होते हैं जिससे अलग अलग थिकनेस की लाइनें हम इस इंक को उस पेन के अंदर भर के खींच सकते हैं। सबसे पतले साइज की जो लाइन होती है 0.1 की पेन से बनाई जा सकती है और सबसे मोटे साइज की लाइन 0.8 टिप के पेन से बनाई जाती है, इनका यूज आप लोग को नहीं करना है। लास्ट है डस्टर। डस्टर जो रहते हैं आप लोग को ड्राइंग शीट को साफ स्वच्छ रखने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को पोंछने के लिए एक 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर का सफेद सूती कपड़ा परचेज करके लाना है, ताकि जिस समय आप क्लास में पढ़ रहे हो और ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बना
अधूरी पड़ी हो तब उसको आप उसको डस्टर को ड्राइंग शीट पर बिछा करके अपनी क्लास में जो नोट करना है उसको नोट कर सकें, उसके ऊपर अपनी कॉपी रख सकें। अन्यथा ऐसी स्थिति में अगर आप डस्टर नहीं बिछाएंगे तो आपकी ड्राइंग शीट खराब हो सकती है, काली हो सकती है, बेकार हो सकती है। तो उसकी सुरक्षा के लिए और इंस्ट्रूमेंट हमारे जब गंदे हो जाते हैं उनको पहुँचने के लिए इस प्रकार का एक बड़ा रुमाल या 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर का सफ़ेद सूती कपड़ा आपको परचेज करके लाना है। इस प्रकार से ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको नोट कराए हैं। इनमें से क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपको आवश्यक होगा क्लास सर्विस के लिए, मैं इसमें टिक कर दे रहा हूँ, डबल टिक कर दे रहा हूँ, उन सभी इंस्ट्रूमेंट को आप आज ही परचेज कर लें, नेक्स्ट टाइम पे आपको लेकर आना है। क्लास सर्विस में कोई ढिलाई नहीं, सारा सामान आपके पास होगा तभी आप सिस्टम से पढ़ाई कर पाएंगे। इंस्ट्रूमेंट में ड्रॉइंग बोर्ड सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है, सभी बच्चों को क्लास सर्विस में यहाँ पर ड्रॉइंग बोर्ड आपके पास में है, अवेलेबल है, यहाँ लेकर नहीं आना है, कई बार एग्जाम में आपको जरूरत पड़ सकती है या घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको ड्रॉइंग बोर्ड की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके पास टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा आप ड्रॉइंग बोर्ड घर पे प्रैक्टिस करने के लिए परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आवाज नहीं मिनी ड्राफ्टर, दिस इज मिनी ड्राफ्टर, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको परचेज करके लाना ही है, ठीक है। अगर आपके अपने साथियों से कहीं से मिल सकता है वहां से ले लीजिए, वरना मिनी ड्राफ्टर लीजिए। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ये लॉन्ग साइज कंपास, दूसरा इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग साइज डिवाइडर, स्मॉल साइज कंपास, स्मॉल साइज डिवाइडर, ये चारों इंस्ट्रूमेंट आपके पास में होने आवश्यक है। इसके बाद ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट मैंने आपको बताया किस प्रकार से लेनी है, 10 ले लीजिए 1 से 9 ताकि क्लास में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट पेंसिल, पेंसिल मैंने आपको बताया किसी भी एक कंपनी को सेलेक्ट कीजिए, ये आपके ऊपर है चॉइस, लेकिन 2H, H और HB ये ग्रेड फिक्स हैं, इन तीन ग्रेड को लेकर के आना है क्लास सर्विस के लिए, क्लास में ड्राइंग बनाने के लिए ये तीनों ग्रेड होने चाहिए। कई बार क्लच पेंसिल्स भी आने लगी हैं आजकल मार्केट में, ऑर्डिनरी पेंसिल की जगह अभी एडवांसमेंट हुआ है कि क्लच पेंसिल भी आने लगी है, उसमें पतला बारीक सुरमा अलग अलग ग्रेड का पड़ता है। तो यदि कोई क्लच पेंसिल लेके आता है बच्चा तब ध्यान में रखिए अलग अलग ग्रेड के लेड उसमें होने चाहिए, HB, H, 2H, ग्रेड की अलग अलग ग्रेड के लेड की अलग अलग डिब्बी आएगी, अलग अलग कम से कम 2 पेंसिल आपको परचेज करनी होगी क्लच पेंसिल, तब आप उससे काम करेंगे, अदरवाइज आप शुरुआत में यही पेंसिल लेकर के आएंगे, दैट इज बेटर फॉर यू, ओके। नेक्स्ट है इरेजर, इरेजर आपको मैंने बताया 2 इरेजर लाने, एक डायगोनली कट करने के लिए और एक रेक्टेंगल रखने के लिए। नेक्स्ट है शार्पनर, शार्पनर मैंने आपको बताया एक कटर वाला ले लीजिए अच्छी क्वालिटी का, दूसरा स्टेंसिल नैप वाला चक्कू वाला ले लीजिए, और तीसरा 0 नंबर का सैंड पेपर ले लीजिए, ये तीनों चीज आपके पास में होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड पर से आपको सेलो टेप लेना, ये सेलो टेप मैंने बताया आपको बड़ा रोल ले लेंगे, छोटा नहीं चाहिए, और एक डस्टर। इस प्रकार से इतने आइटम्स आपके पास में नेक्स्ट टाइम पे जब आप आएंगे तब रहने चाहिए। और एक मैंने आपको बताया ड्राइंग नोटबुक, एक 2 क्वायर की सफेद लाइन वाली बड़े साइज की कॉपी जिसमें कि आप ड्राइंग बना सकें, छोटी नहीं चाहिए, पेज उसके थिक होने चाहिए, हल्के पेज वाली कॉपी ड्राइंग शीट के लिए ड्राइंग बनाने के लिए पर्याप्त नहीं, इसलिए इस प्रकार से एक नोटबुक ले लीजिए। ये सभी सामान सारे बच्चे अगले टर्न तक लेकर के आएंगे, दैट्स ऑल।